हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत सभी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें निकल कर आ रही है। आइए जान लेते हैं सभी बड़ी खबरों को और सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, आज लॉन्च होने वाली है देश की पहली इंटरनेट से चलने वाली बाइक, 156 किलोमीटर माइलेज और 4G से लेस रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक बाइक आज लॉन्च होने जा रही है। बाइक की आवाज आप अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकेंगे। रिवोल्ट मोटर्स 4G से लेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड देश की पहली नई इलेक्ट्रिक बाइक सबसे पहले दिल्ली NCR में लॉन्च होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बाइक की कीमत 1,20,000 रुपए रखी जा सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बसों से शुरू होगा महिलाओं का मुफ्त सफर, सरकार जल्द देगी तोहफा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए महिलाओं को मुफ्त सफर के तोहफे की शुरुआत बसों से शुरू हो सकती है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के अनुसार इस योजना की शुरुआत बसों में मुफ्त सफर के साथ हो सकती है। इसके तहत महिलाएं DTC और क्लस्टर स्कीम की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, पुरानी दिल्ली में भरभरा की गिरी 4 मंजिला इमारत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आज 4 मंजिला इमारत भरभरा की गिर गई। सदर बाजार में गली प्रेस वाली में स्थित इस बिल्डिंग में गोदाम और दुकानें हैं। गनीमत ये रही कि समय रहते ही बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था और कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये बिल्डिंग कई साल पुरानी बताई जा रही है और फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ दिल्ली डिजास्टर टीम भी मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, छोटे बैंकों का हो सकता है निजीकरण, सरकार अपना हिस्सा बेचने पर कर रही है विचार। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार उनमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है और जानकार बताते हैं कि सरकार जल्द ही छोटे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर सकती है। माना जा रहा है कि छोटे बैंक जो कमजोर है, सरकार उनमें अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। सरकार को अपनी कई योजनाओं के लिए फंड की जरूरत है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास उन योजनाओं में प्रमुख है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत अगले 8 साल में चीन को पछाड़कर बनेगा सबसे बड़ी आबादी वाला देश। भारत 2027 के आसपास चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन सकता है। भारत की जनसंख्या में 2050 तक 27.3 करोड़ की वृद्धि हो सकती है और इसके साथ ही भारत शताब्दी के अंत तक दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के NCR में लोगों को गर्मी से मिली राहत, बारिश से मौसम हुआ सुहाना। राजधानी दिल्ली में बीती रात को हो रही झमाझम बारिश मंगलवार को दिल्ली वालों के लिए ठंडक भरी सुबह लेकर आई। आज सुबह 6 बजे दिल्ली का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीती रात दिल्ली में और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली थी। आज उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, टाटा ने लॉन्च किया टिगोर का ऑटोमेटिक वर्जन। टाटा मोटर्स ने सोमवार को अपनी कॉम्पैक्ट सेडान कार टिगोर के स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन संस्करण की पेशकश की है। इसकी दिल्ली के शोरूम में कीमत 6,39,000 रुपए बताई गई है। टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने अपनी टिगोर AMT श्रृंखला में XMA और XZA प्लस के तहत 2 संस्करण पेश किए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, IMA का प्रस्ताव, डॉक्टरों पर हमला करने पर 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले शनिवार को डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और इसके साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा तैयार मसौदे को अटैच किया। हिंसा रोकथाम और नुकसान या संपत्ति नुकसान अधिनियम 2017 मसौदे के तहत डॉक्टरों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि IMA वर्तमान में डॉक्टरों पर हमला करने वालों को 7 साल की जेल देने की मांग कर रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में दूसरे दिन भी सांसदों का शपथ ग्रहण, सनी देओल ने कहा भारत माता की जय। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दूसरे दिन नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, भाजपा सांसद मेनका गांधी, मुलायम सिंह यादव, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल, अभिनेता से नेता बने सनी देओल, हेमा मालिनी समेत कई सांसदों ने सदस्यता की शपथ ली। लोकसभा स्पीकर नियुक्त होने जा रहे भाजपा सांसद
सांसद ओम बिड़ला ने भी शपथ ली है। वही अभिनेता से नेता बने सनी देओल ने अंग्रेजी में शपथ ली और भारत माता की जय का नारा लगाया। अगली बड़ी खबर आ रही है, डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने एयरटेल वोडाफोन आइडिया पर जुर्माने की मंजूरी दी। दूरसंचार विभाग की संस्था डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने सोमवार को भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर पेनल्टी लगाने की मंजूरी दे दी है और उन पर 2016 में रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाया है। हालांकि डीसीसी ने 3,050 करोड़ रुपए की पेनल्टी राशि में संशोधन के लिए ट्राई से राय लेने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 100 रुपए चमका सोना, चांदी की कीमतों में 130 रुपए प्रति किलोग्राम की देखी गई तेजी। स्थानीय बाजार में सोना स्टैंडर्ड 100 रुपए चढ़कर 33,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोला गया। वही अगर बात करें चांदी की तो चांदी में भी तेजी देखी गई है। चांदी हाजिर 130 रुपए चमककर 38,220 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 20 जून को पीएम मोदी करेंगे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक, बजट को लेकर होगी चर्चा। केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पीएम मोदी वित्त मंत्रालय के सभी 5 विभागों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और रोजगार बढ़ाने के बारे में चर्चा होगी। ये बैठक 20 जून को होगी। इस बैठक के कारण जीएसटी काउंसिल की बैठक को फिलहाल एक दिन के लिए टाल दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, इस फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन, पिता के साथ करेंगे काम। फिल्म द लायन किंग हिंदी में सुपरस्टार शाहरुख खान किंग मुफ्सा और उनके बेटे आर्यन उसके बेटे सिम्बा के किरदार को अपनी आवाज देंगे। शाहरुख खान ने एक बयान में कहा है कि द लायन किंग एक ऐसी फिल्म है जो उनके पूरे परिवार को पसंद है और उनके दिलों के करीब है। खान ने कहा है कि एक पिता के तौर पर मैं मुफ्सा और बेटे सिम्बा के साथ उसके रिश्ते से पूरी तरह वास्ता रखता हूँ। लायन किंग की विरासत शाश्वत है और इसका हिस्सा बनना वो बेटे का साथ इसे और खास बना देता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ज्यादा कर्ज बांटने के लिए सरकार बैंकों को दे सकती है 30,000 करोड़ रुपए की मदद। छोटे कर्ज बांटकर कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आम बजट में सरकारी बैंकों को मदद का प्रावधान कर सकती है और इसके लिए वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैंकों को न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, उग्रवाद के सफाये में जुटी भारत म्यांमार सेना, चल रहा है ऑपरेशन सनराइज 2। नॉर्थ ईस्ट सीमा से सटे बॉर्डर इलाके में भारत और म्यांमार की सेना उग्रवादियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। पिछले कुछ समय से म्यांमार सेना को इस ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और ऑपरेशन सनराइज 2 नाम से जारी इस ऑपरेशन में भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने अपने इलाके में जहां 60 से ज्यादा अलग अलग गुटों के उग्रवादियों को हिरासत में लेकर उनके कई कैंप को तबाह कर दिया है। वहीं म्यांमार सेना को इस ऑपरेशन में काफी नुकसान होने की खबर है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अब गायब नहीं होगा आपके स्मार्टफोन का नेटवर्क, बिजली के टावरों पर बनेंगे मोबाइल स्टेशन। जी हां दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या झेल रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अब उनके स्मार्टफोन का नेटवर्क गायब नहीं होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC ने पावर ग्रिड को अपने टावरों को टेलीकॉम कंपनियों को बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दे दी है। CERC ने हाल ही में दिए अपने फैसले में कहा है कि देश में ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम कवरेज में बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, विंग कमांडर अभिनंदन के नाम पर BSNL ने लॉन्च किया शानदार प्लान। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने 151 रुपए का प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान को विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के नाम पर अभिनंदन 151 रखा गया है। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की है और इसमें यूजर को रोजाना 1 GB डेटा और 100 SMS मिलते हैं। 24 दिनों तक लोकल STD और रोमिंग कॉलिंग मुफ्त है। अभिनंदन 151 प्लान की वैलिडिटी वैसे 180 दिनों की है, लेकिन कॉलिंग और मैसेज की सुविधा मात्र 24 दिनों के लिए सीमित है। 24 दिनों के बाद 180 दिनों के लिए इनकमिंग की सुविधा फ्री है।